हमारा उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की, जहां जिला योजना डीपीसी की बैठक में हंगामा हुआ, पार्षदों से मंत्री का विवाद हुआ। मंत्री मदन कौशिक कर रहे थे बैठक की अध्यक्षता, सभी विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य भी मौजूद थे। तो मदन कौशिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, सभी विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य भी मौजूद थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिला योजना डीपीसी की बैठक में हंगामा हुआ, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देहरादून से तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्षदों से मंत्री का यहां विवाद हुआ। तो सभी विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य यहां मौजूद रहे। आप देख रहे हैं डीपीसी की बैठक में हंगामा हुआ, ये पार्षद मंत्रियों से भिड़ गए। मंत्री मदन कौशिक इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और पार्षद उन पर भड़ गए। सुदीप जान मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुदीप, क्या वजह रही कि डीपीसी की बैठक में इतना हंगामा हो गया? जी देखिए, डीपीसी की बैठक में हंगामा होना इसलिए लाजमी है क्योंकि बीती कांग्रेस सरकार जो गई उस समय पीडब्ल्यूडी के बजट में सापेक्ष खर्च अधिक था, पीडब्ल्यूडी पे लायबिलिटी अधिक थी जबकि खर्च कम था। ऐसी स्थिति में पार्षदों और दूसरे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि लायबिलिटी चुकाते रहेंगे तो नए काम तब होंगे। हालांकि इसमें बाद में सहमति बनी कि लायबिलिटी का 25% इस बजट से दे देते हैं और इसी तरह 25% काट के लायबिलिटी खत्म की जाए क्योंकि विभाग ने काम सरकार के कहने पे किया है, ना कि कोई व्यक्तिगत काम किया है। लिहाजा डीपीसी बैठक संपन्न हो गई है। मंत्री मदन कौशिक ने बहुत ही चतुराई के साथ सभी को शांत करते हुए बैठक संपन्न करा ली और बजट अप्रूवल भी बोर्ड से ले लिया है। घनश्याम, शुक्रिया सुदीप तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून में 8वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत हुई है। यूनिसन स्कूल में पढ़ती थी छात्रा, मानवी अग्रवाल इसका नाम था। स्कूल प्रबंधन ने पहले बताया कि दौड़ते समय बेहोश हो गई। परिजनों के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान भी हैं। छात्रा का शव मैक्स हॉस्पिटल में रखा गया है। तो यूनिसन स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल प्रबंधन ने पहले बताया कि ये दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते बेहोश हो गई। परिजनों के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान भी हैं। तो छात्रा का जो शव है फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल में रखवाया गया है। तो 8वीं की छात्रा है और संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हो गई। बच्ची का नाम मानवी अग्रवाल था। आपको बता दें, स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि दौड़ते दौड़ते बेहोश हुई और फिर उसकी मौत हुई, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं कि उसके शरीर पर चोटों का भी निशान है। हालांकि अभी मैक्स हॉस्पिटल में शव को रख दिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो देहरादून से खबर है, यहां 8वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। यूनिसन स्कूल में पढ़ती थी मानवी अग्रवाल, 8th क्लास की स्टूडेंट थी। स्कूल मैनेजमेंट ने बताया दौड़ते समय हुई बेहोश, परिजनों के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान भी हैं। तो देहरादून में 8वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत है, ये खबर देहरादून से। तो मानवी अग्रवाल इसका नाम बताया जा रहा है, 8th क्लास की स्टूडेंट है। आपको बता दें, स्कूल मैनेजमेंट ने कहा कि भाग रही थी और भागते भागते ये बेहोश हो गई, हालांकि उसके शरीर पर चोटों के निशान भी हैं। तो देहरादून में 8वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत हुई है। यूनिसन स्कूल है ये, जहां ये पढ़ती थी। शरीर पर चोटों के निशान बता रहे हैं घर वाले। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते बेहोश हुई और ये पूरी घटना सामने आई। तो देहरादून में 8वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत हुई है। यूनिसन पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, आपको बता दें। परिजनों के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान भी हैं। मानवी अग्रवाल इस बच्ची का नाम था, 8th क्लास की स्टूडेंट है, आपको बता दें। और इस तरह की मौत के बाद एक बार फिर से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है, 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 48 घंटों के अंदर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। देहरादून के स्कूल में आज छुट्टी है। हरिद्वार, पौड़ी, चमोली और नैनीताल में भी भारी बारिश के अलर्ट के बाद
उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पे है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, धूल की तस्वीरें हैं। देहरादून के स्कूलों में आज छुट्टी है, कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हरिद्वार, पौड़ी, चमोली और नैनीताल में भी भारी बारिश का अलर्ट अब घोषित कर दिया गया है। तो मौसम विभाग की चेतावनी है, उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है। और खबर उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री में बड़ा भागीरथी का जलस्तर, गंगा निकेतन, भागीरथी सेवा, बागड़ी सदन खतरे की जद में है, दीपिका सदन, हिमालय सदन खतरे की जद में आ गए हैं। अगर नदी का जल यूं ही बढ़ा तो शैली कॉटेज भी खतरे में आएगा। गंगोत्री में छाया अंधेरा, ना लाइट ना पानी। तो लगातार बढ़ता हुआ पानी दिक्कतें पैदा कर रहा है। उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अगर ये नदी का जल यूं ही बढ़ा तो फिर तस्वीर और भयावह हो सकती है। गंगा निकेतन, भागीरथी सेवा, बागड़ी सदन, ये तमाम भवन खतरे की जद में है। उत्तरकाशी में लगातार अलकनंदा का जलस्तर बढ़ रहा है और अगर नदी का जलस्तर यूं ही बढ़ा तो फिर किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। और उत्तराखंड में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 200 जवान घुसे हुए हैं। चमोली जिले के बाड़ाखोती में घुसे हैं ये 200 चीनी सैनिक। देश की अंतिम चौकी रिमखिम के पास की घटना है। 25 जुलाई 2017 को रिमखिम के पास ये घटना घटी। 1 किलोमीटर अंदर आए चीनी सैनिक। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने चरवाहों को धमकाया भी। चमोली जिला प्रशासन को नहीं है घुसपैठ की कोई जानकारी। घुसपैठ की खबर के बाद शासन प्रशासन में खलबली मची हुई है। तो ड्रैगन की दस्तक अगर समझे तो फिर उत्तराखंड में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 200 जवान घुस गए हैं। चमोली जिले में बाड़ाखोती में घुसे हैं 200 सैनिक। देश की अंतिम चौकी रिमखिम के पास की घटना है। 25 जुलाई 2017 को रिमखिम के पास ये घटना घटी। 1 किलोमीटर अंदर चीनी सैनिक आ गए हैं। चीनी सैनिकों ने चरवाहों को धमकाया भी। चमोली जिला प्रशासन को हालांकि इस घुसपैठ की कोई खबर नहीं है। घुसपैठ की खबर के बाद शासन प्रशासन में खलबली है। बाड़ाहोती में बार बार घुसपैठ करता रहा है चीन। 3 जून 2017 को 2 चीनी हेलीकॉप्टर बाड़ाहोती में घुसे थे। बाड़ाहोती में 3 मिनट तक मंडराते रहे थे चीनी हेलीकॉप्टर। साल 2014 में भी चीनी हेलीकॉप्टर बाड़ाहोती में घुसे थे। 2015 में चीनी सैनिकों ने चरवाहों को का खाद्यान्न नष्ट कर दिया था। 2016 में चमोली प्रशासन की टीम से भी चीनी सैनिकों का सामना हुआ। यूपी उत्तराखंड हिमाचल के मिडिल सेक्टर में पड़ता है बाड़ाहोती। आईजीबीपी को बाड़ाहोती क्षेत्र में हथियार ले जाने की इजाजत नहीं है। 1958 में दोनों देशों ने बाड़ाहोती को विवादित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया। चीन का जो रवैया है वो खुराफात करते रहना चाहिए। अभी एक भूटान क्षेत्र के अंदर ये समस्या है और उत्तराखंड के जहां उन्होंने आए हैं वहां पर वो समय समय पर आते हैं, अपना अल्लाह गुल्ला करके चले जाते हैं और ये सिर्फ अपना एक न्यूसेंस वैल्यू जो होती है वो किए कर रहे हैं और उनका कुछ वहां पर है नहीं। हमारे उत्तराखंड और राष्ट्र का वहां पर अच्छा बंदोबस्त है। और खबर देहरादून से, जहां महिला कांग्रेस ने डीजीपी से की है मुलाकात। ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव को लेकर ज्ञापन दिया गया। महिला अपराध के मुद्दे पर भी ज्ञापन दिया गया। देहरादून, नैनीताल, यूएस नगर, हरिद्वार में लगातार बढ़ रहे हैं मामले। महिला अध्यक्ष सरिता आर्य के नेतृत्व में डीजीपी से मुलाकात हुई। कांग्रेसी डीजीपी से मिलने के लिए पहुंचे और डीजीपी ने फिर उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया। तो महिला अध्यक्ष सरिता आर्य के नेतृत्व में डीजीपी से मुलाकात की महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने और बताया कि किस तरीके से अहम मुद्दे हैं प्रदेश में और खासकर देहरादून में जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार सरकारी व्यवस्था सुधारने के बजाय व्यवस्था को ही भाड़े पर बांटने में जुट गई है। तमाम विरोधों के बावजूद सरकार ने डोईवाला स्वास्थ्य केंद्र को हिमालयन इंस्टीट्यूट को सौंप दिया।
डोईवाला के सरकारी अस्पताल पर कई सवाल। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं से कर लिया समझौता। हिमालयन मेडिकल कॉलेज वाली ग्रांट को सौंपी जिम्मेदारी। डबल इंजन की सरकार ने तमाम विरोध के बावजूद डोईवाला के सरकारी अस्पताल को एक समझौते के जरिए हिमालयन मेडिकल कॉलेज वाली ग्रांट को ही सौंप दिया है। इस फैसले के बाद विपक्ष सरकार पर आरोप लगाने में जुट गया है कि सरकार अपने बूते पर कुछ भी कर पाने का दम नहीं रखती। सरकार जो भी तर्क दे, कितने ही शब्द बाग दिखाए, पर सच तो यही है कि फैसला जनता के लिए नहीं, हिमालयन के लिए लिया गया। वरना क्या मजबूरी थी कि अपने अच्छे खासे अस्पताल को स्वास्थ्य महकमे ने खुद चलाने के बजाय निजी हाथों में सौंप दिया। बड़ा सवाल उठता है कि क्या डोईवाला में भी सरकारी डॉक्टर आने को तैयार नहीं, या यहाँ पर सुविधा जुटाने में सरकार को दिक्कत हो रही है। अगर डोईवाला जैसे सुगम जगह पर भी सरकार का स्वास्थ्य महकमा अस्पताल नहीं चला पा रहा, तो वाकई पहाड़ पर सरकार से कोई उम्मीद रखना बेमानी है। हर कोई वाकिफ है कि हिमालयन अस्पताल पूरी तरह और हर लिहाज से सिर्फ व्यवसायिक है, और वहाँ इलाज कराने आने वालों को मोटी रकम इलाज में खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में सरकार से सवाल है, सरकार किसके लिए है, जनता के लिए या एक निजी अस्पताल के लिए? वहीं विपक्ष सीधे सीधे सरकार से पूछ रहा है कि क्यों सरकार ने ऐसा फैसला लिया। उनके अनुसार अगर कोई अस्पताल निजी हाथ में देना ही था तो पहाड़ के दुरस्त इलाके का दे देते, न कि देहरादून की जड़ में डोईवाला क्षेत्र का। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि डोईवाला में तो जहाँ तक डॉक्टरों की तैनाती की बात है, वो भी आसानी से हो सकती है और डॉक्टर भी वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। अगर हिमालयन इंस्टीट्यूट को आपको अस्पताल देने की आवश्यकता है तो उन अस्पतालों को देने का काम आप करें जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो पर्वतीय क्षेत्र में। जो हमारी आर मेडिकल कोर है वो मुफ्त में तो काम करेगी नहीं, राज्य सरकार से पैसा लेगी। तो आप जो संसाधनों को विकसित कर सकते थे, कल मान लीजिए फौज ने ये तय कर लिया कि साहब हम तो नहीं करेंगे, तो आपका तो पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज बैठ जाएगा। उसी तरह से बाकी जो CSCs हैं उनके बारे में भी सरकार जो है निहित स्वार्थों में कुछ लोगों का को फायदा उठाने के लिए इस तरह का निर्णय ले रही है। हालांकि सरकार के अनुसार ये समझौता 5 सालों के लिए किया गया है, और समझौते के मुताबिक डोईवाला अस्पताल में स्वामी राम हिमालयन संस्थान के 13 चिकित्सकों की तैनाती होगी। इतना ही नहीं, CM के अनुसार हिमालयन इस अस्पताल को निःशुल्क और निस्वार्थ चलाएगा। हिमालयन इंस्टीट्यूट को वो निस्वार्थ निःशुल्क सेवा के लिए वो अस्पताल दिया गया है। अभी तक वहाँ पर 4 डॉक्टर थे, अब वहाँ पर 13 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। 1 तारीख से डॉक्टरों की नियुक्ति प्रारंभ हो जाएगी। विपक्ष के साथ साथ स्थानीय जनता भी इसका विरोध कर रही है, लेकिन सरकार इसे दरकिनार कर अपना फैसला ले चुकी है और साफ कह रही है इससे सुधार होगा। आखिरकार तमाम विरोधों के बावजूद सरकार ने डोईवाला अस्पताल को हिमालयन अस्पताल को सौंप दिया है, यानी निजी हाथों में दे दिया है। सवाल यही उठ रहा है कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि डोईवाला अस्पताल को निःशुल्क व निस्वार्थ सेवा हिमालयन अस्पताल देगा। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर जब हिमालयन अस्पताल को ही यह अस्पताल दे दिया गया है तो किसको व्यावसायिक फायदा होगा। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। और पंचेश्वर बांध को लेकर सूबे के कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने यह आश्वासन दिया कि बांध से प्रभावित लोगों के हितों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। पिथौरागढ़ पहुंचे पंत ने कहा कि पंचेश्वर बांध तरक्की के लिए जरूरी है, लेकिन विस्थापितों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही प्रकाश पंत ने कहा कि किसी भी प्रभावित के साथ अन्याय नहीं होगा। स्वयं स्तर पर उस स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि उनके हितों का संरक्षण किया जाके उनकी आजीविका को सुनिश्चित किया जा सके। अगर विस्थापित गांव विस्थापित हो रहे हैं तो उनके पुनर्वास के लिए बेहतर पैकेज मिले, यह सब कुछ किया जाएगा, जिसके लिए अभी से कवायद प्रारंभ हो चुकी है। और स्वास्थ्य विभाग में तबादला उद्योग एक बार फिर से स्थापित होता दिखाई दे रहा है। पहले 241 चिकित्सकों को नियम का हवाला देते हुए उनका तबादला कर दिया गया, जिससे पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके, लेकिन सरकार अपने निर्णय को ही बरकरार नहीं रख सकी। अब उन्हीं चिकित्सकों में से पहले चरण में 27 डॉक्टर्स को पहाड़ों से मैदान में उतारा गया, तो अब 2 चिकित्सक दंपत्ति को भी विभाग ने तबादला करते हुए मैदान में उतार दिया। सूत्रों के माने तो स्वास्थ्य विभाग में तबादलों के नाम पर भी जमकर लेन देन हुआ है, जिसके चलते डॉक्टर्स को पहाड़ पर भेजे जाने के बजाय उन्हें उतारा जा रहा है।
पहले तो लगभग हो चुके हैं, कुछ जो कपल युगल तैनाती वाले थे उनमें एक दो लोगों का अभी दो दिन पहले हुआ, और बाकी जो पूर्व तबादले हुए थे उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए, कोई नए तबादले नहीं हुए। और बागेश्वर में 5 किलो चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यूपी से बागेश्वर लाई जा रही थी चरस, और गिरफ्तार किया गया आरोपी यूपी का ही रहने वाला है। उसका नाम गोविंद सिंह बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 किलो चरस की कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई है। तो कपकोट के सूबी गांव का रहने वाला है शख्स, तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुकी है। आरोपी का नाम गोविंद सिंह बताया जा रहा है और इस चरस को यूपी लाया जा रहा था। 12 लाख इसकी कीमत आंकी गई है। और अल्मोड़ा के खैरना क्वारब नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन कई जगह अनियमित ढंग से कटान होने के चलते लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। वहीं अनियमित तरीके से की जा रही कटान को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अनियमित ढंग से हो रही कटान की जांच की मांग की गई। खैरना से जो क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग आता है उस राजमार्ग में निर्माण कार्य चल रहा है और जगह जगह अनियमित ढंग से रोड काटी जा रही है। रोड में ही स्टोन क्रेशर लगा है, उसका मलबा सारा वहीं पर नदी में फेंका जा रहा है। बार बार पत्थर गिरने से वहां पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। और उस वह क्षेत्र सब्जी और फल उत्पादक क्षेत्र भी है, और भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग करता है कि उस क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य की जाँच हो। और कालाढूंगी तहसील की कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत सैमलचोड़ गांव में लंबे समय से जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है। जंगली जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे किसानों में गुस्सा है। किसानों का कहना है कि आए दिन जंगली जानवर फसलों को बर्बाद करते हैं, लेकिन वन विभाग किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे गुस्सा है। किसानों को अब कोई दूसरा राहत दिखाई नहीं दे रही, अब वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और आज तो हद ही हो गई है कि रात कम से कम 3-4 जंगली हाथी और गन्ना और धान सोयाबीन इन आदियों का नुकसान करके गए हैं। काश्तकार लोग बड़ा परेशान है, पहले जंगली गाय आती रही है, उसके बाद नील गाय, आज तो हद ही हो गई कि आज हाथी भी आ गया है। तो किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं जानवर, कालाढूंगी की तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं। शिकायत के बाद भी वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो कालाढूंगी तहसील की कोटाबाग ब्लॉक के अंतर्गत सैमलचोड़ गांव है ये, जहां लंबे समय से जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है। जंगली जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और इनकी सुनने वाला यहां कोई नहीं है, लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं ये तमाम लोग। तो कालाढूंगी तहसील के कोटाबाग ब्लॉक के अंतर्गत सैमलचोड़ गांव है ये, जहां लगातार जानवर किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। और श्रीनगर से खबर जा रही है, श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया है। कौडियाला ब्यासी के बीच बॉर्डर आने से बाधित हुआ था मार्ग, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फाइनली ये रूट खुल गया है। नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे के 2 घंटे का बाधित होने का मतलब आप समझ सकते हैं, किस तरीके से वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक लगा है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार है। तो ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे फिलहाल खोल दिया गया है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस रूट को फिर से बहाल कर दिया गया है। कौड़ियाला ब्यासी के बीच बॉर्डर आने से मार्ग बाधित हुआ था।